पीएमबी न्यूज एंड एंटरटेनमेंट चैनल नाई टाइम जतन लमसगो ताबूनी घटमाओ खजनी मारे सौ कि टाकुक बुखुक अग्रा सागरा नरक जतन सैमान तीन इंका सात तारीख मे 2023 सालमारी तीन ओ सालमारी बहनो हाई बेलाखेनो इम्पोर्टेंट नि साल तमुनी हिमालय मो कैसा मुतुनार जंगाई साल उंजाउखा त्रिपुरा हास्ते कठंग लाइफमाओ खजानी मारे सौ किचिन सौ बुबाग्रा हिसानेस प्रोडक्ट किशोर माणिक्य देवबर्मा मणिपुर इम्फल टाउन तो कसाउई थे त्रिपुरा हास्ते गोबांमा रंगसरंगनाय रक कसाउई थी आप रंगसरंगनाय रकनो त्रिपुरा हास्तेव किफिल तो बुमावो बुबाग्रा हाइनो हाय लुकु चुबाचु याक फलगुई रिजाउखा म बेलेखेनो बरक रकनि थानिवो खाव मैतनार जाने कायसाकक सकां रगबो बेलेखेनो किरिमा सिंसा बेरेम बेबर बाय मानजागै टंगमानि आ जरावबो बुवाग्रा हिसानेस प्रोडक्टर मालिक देव बर्मा अबती कहकनो लुकरकनो चुबाखा आबनी बागिनो लुकरकनि खाओ ब जागा मानखा हनै लुकरक खाखायो हाके तिनिबो हाइनो हाय मणिपुर मणिपुरनि इम्फल ताबुक किसा जरा हाबिया सलिउ टंगो किरिकरनि जरा आ सिचुएसन टंगै टंगबाय जामानि त्रिपुरा हास्तिनि रोंस्रोंनाय रक बरक कसाउई टंगबाय मानि कलेजनि केबोबा प्रेमिसिस टंगबाय मानि कसाउई आबरक फाइबाय आंगै टंगमानि त्रिपुरा हास्तेव बुबाग्रानि चाइथोंबा बायनो तिनि बरक त्रिपुरा हास्तेव फाइसकबायनानि एडभान्टेज ओंखा आबदै काहेनो साखा स्टुडेन्टस रक किफिल फायनाय रोंस्रोंनाय रक बुबाग्रानो प्रशंसा खायो एबा प्राइज खायो हाके बुबाग्रा हिसानेस प्रडक्ट किशोर माणिक्य बहादुर देवबर्मानि ओ सामुं बुटांनो बलाय लायो जे कक सालैमानि तै आ जागाव तिनि लामसंनो बागै बुबाग्रानो खबै त्रिपुरा हास्तेनि गोबांमा ककटमा थबनाय तै गार्जेन रं आखरकबो थाङो आ जागाव तिनि कुटुम लाइजाक बर्ण लामसंना बागै फाइ सपैखैनो आगरतला महाराजा बीर विक्रम एयरपोर्ट फाइ सकैनो बर्ण खाबाय खुबैखेनो लामसका लुकरंगबो तै बुभाग्राबो खापां खलगैनो बर्ण यासाक सका फाइदिखै दै देलेनो आजागनि तिनिनि मंगलिनो तै बुभाग्रा हिसानेस प्रोडक्शन मानेको बाद बट्टाबो साखा आबनाबो जों खरालायन एयरपोर्ट जरा फाइट रोग नो बाहर के सब सिक्योरिटी जो का हाइट रोग कोनो प्रॉब्लम रोग का सिनी बारे फोर्स प्रोवाइड खाजा का खाने बगे ना एयरपोर्ट जरा इनी निखे सामु रोग मा मान तारो सामु रोग मा जने मियन से शॉर्ट करना बाबा कनी निन गाना तो नहीं नाम भाई मलाई बाबा हेर खा कसम कनी आमा बेले बेले के तो गाबो तो मलाई बालो सिनी मुंकी सा हस्टेल गाना गिनी रोग उदय उंखा बम रोग प्लास्टर उदय उंखा गेट बस का
अंकाय आरो जे थाइजिं सामान जे सिक्युरिटी नङ नङ काम के माने चाना नि नङना नि आबो कि नङ आ जगा तंगोइन द मानखा बसक साल रमै मा तंखा नङ आरो मणिपुर में जो भी हो रहा है ठीक नहीं है। मैं अपने मेंटेस अपने कुकीज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स को बोलना चाहता हूँ कि एक दूसरे को अटैक ना करके अपने पॉलिटिकल लीडर्स जो मिनिस्टर्स हैं उनसे सवाल पूछिए कि ये क्यों हो रहा है, क्योंकि एक आम आदमी का आम नागरिक का घर जलाकर चर्च जलाकर मंदिर जलाकर किसी को कुछ नहीं मिलेगा। आपने अपने MLAs और अपने मिनिस्टर्स को वोट किया है, आप उनसे पूछिए कि लॉ एंड ऑर्डर मणिपुर में ठीक क्यों नहीं है। और मैं आम नागरिक से बोलना चाहता हूँ कि एक संग बैठकर डिस्कस कीजिए, ये प्रॉब्लम पॉलिटिकल है और ये प्रॉब्लम का समस्या का हल अगर आप लोग शांति से बैठ के करेंगे तो अच्छा रहेगा। सर कितने स्टूडेंट आ जाए हैं और मेरे तरफ से हमारा 50 बुकिंग वाला लोग आया है और उनके पेरेंट्स भी यहाँ में हैं। मेरे ख़राब टाइम में इलेक्शन के टाइम में गरीब तिपरासा लोगों ने मुझे कहीं में 200 रुपये दिया, कहीं में 500 रुपये दिया, कहीं में 1000 रुपये दिया। तो आज अगर मैं अपने तिपरासा लोगों को ख़राब टाइम में वापस ला सकता हूँ तो कोई शर्म का बात नहीं है, ये मेरा ड्यूटी था। आज 50 लोग आए, अगर कल और भी आना है मैं और हेल्प करूँगा, अपने पॉकेट से हेल्प करूँगा। उन्होंने भी अपने पॉकेट से मेरे ख़राब टाइम में मुझे हेल्प किया था, मैं भूलूँगा नहीं। और है क्या यहाँ पर? हाँ, और स्टूडेंट है क्या यहाँ पर मणिपुर में? है, अभी भी है। अभी कहा गया है कि कम से कम और 30-40 स्टूडेंट्स और हैं, उनको भी आना है तो मैं उनको हेल्प। सर अभी जो आया था वो स्पेशल फ्लाइट में आया क्या? नहीं, ये हमने टिकट बुक किया इनका और हमने इनका टिकट बुक किया और ये लोग स्पेशल फ्लाइट से नहीं आए। स्पेशल फ्लाइट जो स्टेट गवर्नमेंट कर रहा है वो शायद बाद में आएगा। ये हमने रेगुलर इंडिगो में टिकट बुक किया था और इनको टिकट भेजा था और लगाया। जनरल फ्लाइट से? हाँ, क्योंकि मेरे पास स्पेशल फ्लाइट बुक करने का पावर नहीं है, वो स्टेट गवर्नमेंट के पास। सर दूसरे क्वेश्चन, कल आप लोगों के साथ मीटिंग है, 8 तारीख जो मीटिंग? नहीं, इंटरलॉक्यूटर का आज अभी फ़ोन आया है, वो मणिपुर गया है क्योंकि वहाँ में सिचुएशन अच्छा नहीं है और वो उन्होंने मुझसे और थोड़ा दिन का समय मांगा है और मैंने कहा ठीक है, ये जेन्यून सिचुएशन है, हम वेट कर सकते हैं 5-6 दिन, नो प्रॉब्लम। तो कब तक होगा कुछ? वो अभी मणिपुर में है कि मिश्रा अभी बात हुआ है, उसने कहा कि हमें थोड़ा टाइम दीजिए 5-6 दिन, क्योंकि मणिपुर में सिचुएशन ठीक नहीं है तो वो लोग सब मणिपुर गए। अभी शाह से मैं 10 तारीख को मिलूँगा। किस विषय में? अपने तिपरासा के विषय में। मैं तो लड्डू खाने के लिए नहीं मिल रहा हूँ मिनिस्टर से, मैं तो मिलूंगा तो कॉन्स्टिट्यूशन सोल्यूशन के लिए मिलूंगा। कहाँ? दिल्ली? अमित शाह यहाँ नहीं आ रहे, दिल्ली जा रहे हैं। दिल्ली में? हाँ, मैं गुजरात में तो नहीं मिलूंगा, दिल्ली में ही मिलूंगा। ठीक, इनसे पूछ लो ना यार, ये लोग नहीं, आप यहाँ पे देख सकते हैं।
have some meeting, but I'm coming to RIMS, I'll come to Manipur, I'll come to Agricultural College to meet all of you. Okay? Don't worry. Even if I am not there, I'm always there for you. Okay? God bless you. मणिपुर में त्रिपुरा तो ना गई तब का सिचुएशन आ जाए कि कंट्रोल नहुमा है बट फिर आस हमिया को जिनके टिकट काम लिखा जो तू रिखा त्रिपुरा काम कर रिम्स पढ़ी एम बी बी एस स्टूडेंट थर्ड इयर आमोज देवबर्मा आने कमी के तीन गरी अखुआई कि कोरोना के टाइम भी मैंने हेल्प किया, इस बार भी मैं हेल्प करूँगा और ये मेरा ड्यूटी बनता है और मैं करूँगा। भगवान ने इतना क्षमता दिया है कि आप 50 क्या 100 स्टूडेंट को भी ला दें, 150 स्टूडेंट को भी ला दें तो मैं क्यों नहीं करूँ। इलेक्शन के टाइम मेरे गरीब टिकरासा लोगों ने अपने पॉकेट से मुझे 200 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये, 2000 रुपये दिया था तो मैं क्या अपने लोगों के लिए 1 लाख 2 लाख रुपये खर्चा नहीं कर सकता हूँ लाने के लिए? क्यों नहीं करूँ 100%। मैतेज भी हमारे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैं, कुकीज भी हमारे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैं। मैं उनको बोलूँगा कि आप एक दूसरे से फाइट ना करके अपने मैते मिनिस्टर से पूछे कि वो क्यों चुप बैठे हैं, अपने कुकी मिनिस्टर से पूछे कि क्यों चुप बैठे हैं। आप एक आम आदमी को नहीं मारकर अपने MLA अपने मिनिस्टर से पूछिए कि इस टाइम आप गवर्नमेंट में क्यों बैठे हैं और अपने लोगों के साथ क्यों नहीं खड़े। मैं उनको ये बोलूँगा कि एक दूसरे के चर्च को और मंदिर को ना जलाकर अपने मंत्री से, अपने इलेक्टेड लीडर से ये सवाल पूछे कि आपका क्या पोजीशन है। CM ने जो भी स्टांस लिया है वो CM आपको ज़्यादा अच्छा एक्सप्लेन करेगा। मुझे लगता है कि इस समय हमें शांति चाहिए, नॉन वायलेंस चाहिए और एक दूसरे से बात करना चाहिए। इस सिचुएशन में आम आदमी का घर जल रहा है, आम आदमी का चर्च और मंदिर जल रहा है, एक मिनिस्टर का गाड़ी को कुछ नहीं पड़ेगा और इसके पीछे कौन है? पॉलिटिशियंस है। आप पॉलिटिशियंस से सवाल पूछिए और एक दूसरे को अटैक मत कीजिए। इसमें नुकसान कॉमन आदमी का हो रहा है, कॉमन फैमिलीज का हो रहा है और उन्हीं का नुकसान हो रहा है। कल इंटरलोकेटर आ रहा है? नहीं, आज ही एक ही मिश्रा से बात हुआ। ही इज़ रशिंग डाउन टू मणिपुर। उन्होंने मुझे सवेरे फ़ोन किया, उन्होंने कहा कि मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ, मणिपुर में सिचुएशन बहुत ख़राब है, मैं मणिपुर जा रहा हूँ। मणिपुर जाने के बाद मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ब्रीफ करके आऊँगा, आप बुरा मत मानिए। मैं समझ सकता हूँ ये अर्जेंसी है, ठीक है, मैं और 4-5 दिन रुक जाऊँगा और 10 तारीख को मैं दिल्ली जा रहा हूँ। अमित शाह ने मुझे बुलाया है, मैं यही बात अमित शाह से भी बात करूँ। कब आएगा कोई? नहीं, उसने कहा है कि मणिपुर वो आज ही गया है, वो शायद अभी लैंड करने वाला है मणिपुर में और उसमें मणिपुर में 2-3 दिन शायद लगेगा उनको, उसके बाद वो जाएगा। उन्होंने खुद कहा, फ़ोन करके खुद कहा है, उन्होंने माफ़ी प्रकट किया। मैंने कहा दरकार नहीं, मैं समझ सकता हूँ मणिपुर में सिचुएशन ख़राब है, ये अर्जेंट है सिचुएशन और मैं अमित शाह से एनीवे 10 तारीख को मिल रहा हूँ और उसके बाद फिजियोलॉजिस्ट सिर्फ मुझसे भी नहीं मिलेगा, CM से भी मिलेगा, IPFT के लीडर से भी मिलेगा, समाजपति से भी मिलेगा और हमसे भी। थैंक यू। बताने को एक बात दिखा दें, कभी कभी अपने लोगों को बताना भी पड़ता है कि मेरे ख़राब टाइम में वो मेरे साथ नहीं, लेकिन उनके ख़राब टाइम में भी मुझे उनके साथ रहना चाहिए। दिस इज माई ड्यूटी, मैं अपना ड्यूटी निभा रहा हूँ, मैं कोई गवर्नमेंट का हेल्प नहीं ले रहा हूँ, अपना पब्लिक से कर रहा हूँ क्योंकि अपने लोगों को हेल्प करने के लिए आप उनके साथ से हेल्प का दरकार नहीं होता। आप हमारे तरफ से और भी उनको भी एक दूसरे बता रहे।